Hi, welcome back, Mitran. This is Mr. Joshi, sir, and a warm welcome to Success Engineering Classes. Mitran ji, हमेशा की तरह आज के एक बढ़िया वीडियो सेशन में चलते हैं. आज का टॉपिक है दोस्तों टर्न बकर. क्या नाम है उसका? उसका नाम है टर्न बकर, लेकिन उसे हम लोग अलग अलग नाम से जानना चाहेंगे. टर्न बकर, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप देखेंगे तो टर्न बकर को हम लोग और एक सिंबल से जानना चाहेंगे और एक नाम से जानना चाहेंगे. उसको कहते हैं कपलर. क्या कहते हैं उसे? इट इज कॉल्ड एज एन कपलर. तो दोस्तों कंसेप्ट क्या है? कभी टर्न बकर बोलो, कभी कपलर बोलो, सर दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है. लेकिन दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं टर्न बकर या कपलर की, वे आर मच मोर इंटरेस्टेड उसी सो एग्जैक्टली दिखता कैसे है. ठीक है नहीं? सबसे पहले अगर वो विजुअलाइजेशन हमारे सामने आता है तो थोड़ा बहुत पढ़ने में आसानी होती है और इजीली हम लोग आगे जा सकते हैं. अगेन तो टॉपिक में हम लोग कैसे एंटर करेंगे? तो टॉपिक में हम लोग एंटर करेंगे बाय विजुअलाइजिंग एंड पर्टिकुलर डायग्राम. वो डायग्राम देखने की बात करेंगे, एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज क्या है वो देखने की बात करेंगे, एंड फिर हम लोग जो स्टडी के लिए बेसिक डायग्राम पेपर में बनाना चाहेंगे या बेसिक डायग्राम के साथ आगे जाना चाहेंगे उस पर फोकस करते हैं. सबसे पहले टर्न बकर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे दोस्तों. तो दोस्तों ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे टर्न बकर के हम लोग, तो टर्न बकर होता क्या है, कौन से टाइप का लोड वो एक्सेप्ट कर सकता है, कौन से टाइप का लोड वो सस्टेन कर सकता है, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो हमेशा ध्यान में रखिए टर्न बकर ए मशीन का पार्ट है ऐसा विच इज गोइंग टू कनेक्ट टू रॉड्स. दो अलग अलग रॉड्स को कनेक्ट करना चाहेगा विच आर सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड, विच आर सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड एंड विच रिक्वायर्स, एंड कनेक्ट करने के बाद अगर उनके अंदर वो कनेक्शन के बीच में कहीं ना कहीं हमें क्या करने की जरूरत है, लिटिल बिट एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, तो भाई साहब वहां पे हम लोग पक्का टर्न बकर यूज करेंगे. उसका एक सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दोस्तों कि जब हम लोग दो साइड्स की बात करेंगे तो एक साइड राइट हैंड साइड होगा, दूसरा होगा लेफ्ट हैंड साइड. तो दो रॉड है, एक राइट हैंड साइड वाला रॉड है, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला रॉड है. तो हम लोग ये कह पाएंगे कि अगर राइट हैंड साइड वाला रॉड अगर हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं दोस्तों, तो वहां पे उसके ऊपर जो थ्रेडिंग है, यस दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, उसके ऊपर जो थ्रेडिंग है वो थ्रेडिंग है राइट हैंड टाइप ऑफ थ्रेड. एंड अगर दूसरे साइड पे रॉड पे हम लोग देखते हैं तो उसका मतलब है लेफ्ट हैंड थ्रेड. श्योर? एंड ये जो बेसिक टर्न बकर या कपलर या उसके कपलर के जो नट होंगे तो उसको अंदर से इंटरनल थ्रेडिंग होगा. ये इंपॉर्टेंट पार्ट या ये इंपॉर्टेंट लाइन हमें ध्यान में रखना है. मैं कोशिश करता हूँ आपको एक अच्छी बढ़िया डायग्राम दिखाने की. श्योर? बात करेंगे हम लोग डायग्राम में, देखना चाहेंगे हम लोग कैसे दिखता है वो. तो आइए दोस्तों शेयर करते हैं एक डायग्राम, हाउ वी कैन सी द कपलर. तो शेयरिंग हैज बीन स्टार्टेड, चेक कीजिए व्हाट वी कैन व्यू इन अवर पार्ट इन अवर डायग्राम. आई एम जस्ट जूमिंग इन जूम आउट करके दिखा रहा हूँ मैं आपको. तो दोस्तों एक बढ़िया डायग्राम है, दोस्त हमें भेजा था, इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन कपलर, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं उसमें. इसमें अभी हम लोग एक ही थ्रेडेड पार्ट देखते हैं, लेकिन वो एक नहीं है. अगर आप प्रॉपर देखेंगे तो उसके बीच में स्प्लिट है, एंड ये पार्ट एक ऊपर जाएगा, एक पार्ट नीचे आएगा. सो इनके साथ एडजस्टमेंट भी की जा सकती है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट थ्रेड, एक राइट हैंड साइड थ्रेड होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड. ये हो गया उसका दोस्तों एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. हम लोग बोल सकते हैं हाँ थोड़ा बहुत कपलर ऐसे फैशन में दिख सकता है, इसे हम लोग ट्रैक्टर वगैरह के जगह पे यूज करते हैं. श्योर? जस्ट स्टॉपिंग द शेयरिंग, कमिंग बैक टू जोशी सर. तो दोस्तों आज हमें इसमें जो बात करनी है वो अभी हमने बेसिक सिंपल डायग्राम देखा, लेकिन दोस्तों ये 3D डायग्राम है कि नहीं? हमें 2D बनाना है, इम्पोर्टेंट वन करना क्या है तो डिजाइन करना है, इम्पोर्टेंट वन करना क्या है तो डिजाइन करना है. तो डिजाइन करने के लिए टर्न बकर का थोड़ा सा थ्योरी पे हम लोग फोकस करना चाहेंगे दोस्तों,
वो इम्पोर्टेंट थ्योरी पार्ट क्या होगा, चलिए उसके लिए मैं एक छोटा सा स्क्रीन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसके ऊपर हम लोग अपने बेसिक नोट्स के साथ बात करना चाहेंगे एंड होप सो दैट नोट्स विल बी शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू. सो जस्ट चेक कीजिए कि आपके पास एक शेयरिंग ऑन हुआ है. आई थिंक समबडी इज जॉइनिंग, तो थोड़ा सा डिले होता है उसमें. सो ये जो शेयरिंग अभी करेंगे उसमें हम लोग क्या देखना चाहेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ना चाहेंगे सर टर्न बकर क्या है. सर क्या पढ़ना चाहेंगे, टर्न बकर क्या है. टर्न बकर के साथ दोस्तों हम लोग ये बात करना चाहेंगे कि इसका जो थ्योरी पार्ट है, ये थ्योरी पार्ट में ये दो अपोजिट साइड के जो थ्रेड आते हैं, जो दो अपोजिट साइड के जो थ्रेड आते हैं, ये थ्रेड का फंक्शन क्या है, उसका यूज क्या है. सो बहुत टाइम्स ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई द लॉर्ड्स आर ऑफ द कपल आर टर्न वर्कर आर कनेक्टेड यूजिंग एन अपोजिट थ्रेड, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, उसके एप्लीकेशन देखना चाहेंगे. श्योर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. होप सो अभी आप दो वीडियो देख रहे हैं आपके सामने, एक पार्ट में आपको ऑब्जर्वेट प्रॉपरली, एक पार्ट में क्या दिख रहा है दोस्तों आपको, एक बढ़िया पीडीएफ का थियरी पार्ट दिख रहा है जहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हमने आपके साथ शेयर किया है, और एक छोटे से पार्ट में मैं आपके साथ विजिबल हूँ. सही बात है, तो चलते हैं आज के टॉपिक में, डिजाइन ऑफ कपलर या टर्न बकर पे. सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है सर टर्न बकर होता क्या है, व्हाट इज अ टर्न बकर एंड व्हाट इज इट्स पर्पस. तो दोस्तों लोग बहुत अच्छी तरीके से आप इसका एक आंसर दे सकेंगे, आंसर दे पाएंगे, एंड दिस इज दैट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मैं आपको एक हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ. यू आर ऑब्जर्विंग दैट पार्ट, यस सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. थोड़ा सा एक बड़ा जूम करके रखा है आप सभी के लिए, तो विजुअलाइज होने में आसानी होगी. सो टर्न बकर क्या है सर, इट इज एन मशीन पार्ट, इट इज एन मशीन पार्ट विच इज यूज टू कनेक्ट टू रॉड्स. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज यूज टू कनेक्ट टू रॉड्स. सही बात है, विच आर सब्जेक्टेड टू एक्शियल टेंसाइल लोड, विच आर सब्जेक्टेड टू एक्शियल टेंसाइल लोड and it requires a slice adjustment. तो अभी जो पहले हमने फिगर देखा था, जो दोस्त ने शेयर किया था हमारे साथ, मैंने आज वही आपको दिखा दिया, तो ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट पार्ट, ठीक है नहीं. तो उनके बीच में भी आप देख सकते हैं लेंथ का एडजस्टमेंट करने के लिए प्रोविजन है, जैसे हमें अंदर का स्क्रू क्या करना है, रोटेट करना है. श्योर, वन ऑफ द रॉड, उसपे अंदर का जो एक वन ऑफ द रॉड होता है वो राइट हैंड थ्रेडेड होता है, एंड दूसरा रॉड होता है वो क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड थ्रेडेड होता है. तो दोस्तों अगेन मैं आपको मेरे तरफ लेके आता हूँ, ये वन हैंड वन जो लॉर्ड है वो राइट हैंड थ्रेडेड है, दूसरा लॉर्ड है जो लेफ्ट हैंड थ्रेडेड है, इसका पर्पस क्या है, उसके साथ कैसे हम लोग काम कर सकते हैं. श्योर, ये देखना ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एंड इसके साथ बात करेंगे. तो अपना क्वेश्चन क्या आएगा सर, अपना क्वेश्चन आएगा कि ठीक है एक राइट हैंड थ्रेड है एक लेफ्ट हैंड थ्रेड है, लेकिन उसका पर्पस क्या है, व्हाई इट इज यूज्ड, व्हाई दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. तो दोस्तों इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं, द टू रॉड्स आर कनेक्टेड बाय कपलर, दे आर हैविंग थ्रेड्स, श्योर, एंड वो अपोजिट नेचर के थ्रेड्स है, एक राइट हैंड है एक लेफ्ट हैंड है. तब इसका फायदा क्या होगा सर, इसका फायदा यह है, चेक कीजिए स्क्रीन पे अभी मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर टू के साथ. सर वन हैज अ लेफ्ट हैंड थ्रेड एंड अदर हैज अ राइट हैंड थ्रेड, सो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, this is the very important line what we are observing on our screen. Sir, what is that important line tells us, sir, when the coupler, ये जो अंदर का बीच का part है coupler, इसको हम लोग जब एक rotation देना चाहेंगे, when we given one complete rotation to that coupler, तो अंदर का part है कि नहीं, तो होता क्या है, ये दोनों ये जब हम लोग घुमाएंगे तो both the ends of the rods will either approach or they will recede, तो दोनों साथ आएंगे या दोनों बाहर जाएंगे. Are you getting what I'm talking about? When a coupler is given and one complete rotation, अंदर का जो coupler का rotation है उसे लेने की बात करेंगे, तो आपके दोनों ends क्या होंगे, either they will approach or they will recede. That is a very important part, and उसे बहुत जगह पे हम लोग यूज करते हैं. तो क्वेश्चन आता है बहुत जगह पे, मतलब सर कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, एंड अगर हमें coupler रोटेट करना है तो कभी कभी वो थोड़ा हेवी ड्यूटी होता है, तो हाथ से हम लोग रोटेट नहीं करते, रोटेट कर नहीं सकते. तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, तो ऐसे केस में सर हम
का सेंटर का कपलर का पार्ट है ना, सेंटर का कपलर का पार्ट वहां पे ना एक होल बना के रखते हैं। अब मुझे बताइए होल का यूज क्या होगा? सो वी आर गोइंग टू यूज अ प्रिंसिपल ऑफ एन रिवर। यस दोस्तों, LEVER, ये रिवर का प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे यूज करना चाहेंगे। एंड हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अगर हाथ से उसे रोटेट नहीं करते तो उसके अंदर कोई एक मेटल का रॉड आप इंसर्ट कीजिए, आयरन रॉड, एंड इट कैन बी यूज फॉर द रोटेशन ऑफ एन कपलर। दैट इज द सिंपलेस्ट आइडिया दोस्तों हम लोग आपके साथ डिस्कस करना चाहते थे। श्योर। एंड फिर लास्ट क्वेश्चन आता है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सो व्हाट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ दिस कपलर, कहाँ कहाँ पे इसे यूज किया जाएगा, कहाँ कहाँ पे हम लोग उसको एग्जैक्टली लेके आएंगे, उसके बहुत सारे आंसर आपके पास अवेलेबल है। सही बात है सर। सबसे सिंपलेस्ट एंड इम्पोर्टेंट आंसर दोस्तों जो हम लोग देखना चाहेंगे वो क्या होगा? सो इट विल बी यूज फॉर एन आयरन रूफ ट्रस, स्टे रोप ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोस्ट। तो जो इलेक्ट्रिक पोस्ट होता है ना उसका स्टे रोप, मतलब जो एक सपोर्टिंग रोप आता है उसके नीचे भी हम लोग उसे यूज कर सकते हैं, सो दैट उसको टाइट कर सकते हैं हम लोग। द रॉड ऑफ ए वॉल क्रेन, एक ऊपर EOT करके नाम होता है, क्या नाम होता है? EOT, इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन, या उसे हम लोग कभी क्रेन कहते हैं, कभी वॉल क्रेन भी कहते हैं। तो उसका जो टायर रॉड है इट इज एग्जैक्टली वर्किंग लाइक ए टर्न बकल, या सिंपल एग्जाम्पल जो हमने पहले भी बातें की थी लाइक टेलीग्राफ वायर्स, जो वायर्स जाते हैं अपने उनको टाइट करने के लिए हम लोग उसे यूज करते हैं, या व्हाट वी कैन से इट विल बी यूज इन डिफरेंट ब्रिज स्ट्रक्चर्स। एंड आई थिंक ये ब्रिज स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा फेवरेट है एंड इसे बहुत ही टाइम यूज किया जाता है। श्योर। तो ब्रिज स्ट्रक्चर मतलब कौन से ब्रिज होंगे भाई साहब? तो हम लोग बात कर सकते हैं सर, इट इज अ टर्न बकल इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन, है कि नहीं? ब्रिज स्ट्रक्चर। एंड फिर उसका गूगल करने के बाद हमें एक बढ़िया सा एक डायग्राम दिख जाता है, बढ़िया से पार्ट दिख जाते हैं जो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो इट इज एन रिगिंग डिवाइस, उसको हम लोग एक रिगिंग डिवाइस कहते हैं एंड उसका यूज करके हम लोग उसको पुल करने की, एक साथ रखने की बात करते हैं। तो चलिए ये थोड़ा सा शेयरिंग बंद करके मैं एक्चुअली आपको वो पार्ट पे लेके जाना चाहता हूँ दोस्तों, जहाँ पे अभी हम लोग एक्चुअल देखेंगे सर ये कहाँ पे यूज होता है। Exactly it's used in industry. And सबसे अच्छा मुझे example लगता है वो होता है दोस्तों bridge structure पे, जो अभी जो हम लोग bridge structure पे आए थे वो bridge structure का example मैं आपको दिखाना चाहूंगा। Sure? तो कोई भी एक diagram देके हम लोग उसमें बहुत अच्छी तरीके से देख पाएंगे। And तो मैं आपके लिए एक Google का page share करता हूँ जहाँ पे अगर आप सिंपल गूगल करेंगे तो यू कैन हैव एन नंबर ऑफ डायग्राम्स। तो दोस्तों आपके साथ ये एन नंबर ऑफ डायग्राम्स अवेलेबल है, आप इसमें से कोई भी एक डायग्राम को जूम करके देख सकते हैं, ठीक है? नहीं, सो दिस इज अ सेंटर पार्ट जो अभी मैंने शेयर किया था आप सभी के साथ, है कि नहीं? तो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, तो उसे हम लोग और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सो ऑल दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एन टर्नबकल पार्ट, एंड यही सारे टर्न बकल के पार्ट्स हम लोग यूज करेंगे। सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स मे बी सीन लेटर ऑन जब भी आपको देखना है, या फिर कभी डिटेल में उसके लिए भी बात कर सकते हैं। सो व्हाट यू कैन से, बहुत सारे ब्रिज के स्ट्रक्चर्स पे आपको ये पार्ट देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये ध्यान में रखना है व्हाट यू ऑब्जर्विंग, थोड़ा मैंने इमेज भी जूम करके आपको दिखाया है, दिस आर द प्रैक्टिकल थिंग्स दोस्तों जहाँ पे हम लोग उसे यूज करना चाहेंगे। सर वो स्टील वायर का जो रोप होता है उसे खींचने के लिए, उसको पुल करने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है, दैट इज इट्स पर्पस। श्योर। लेकिन दोस्तों ये सारे क्या हो गए? ये हो गए अपने इमेजेस डायग्राम्स। हमें जो अभी करना है, हमें जो ड्रॉ करना है पेपर में लेके आना है, वो तो ये 3D डायग्राम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें कुछ सिंपल डायग्राम बनाने हैं, सिंपल काम करना है। तो सिंपल काम क्या होगा? इट इज नथिंग बट अवर 2D इमेज, इट इज नथिंग बट अवर 2D इमेज। तो आइए वो 2D इमेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी तो एक्चुअल जो हम लोग डायग्राम देखते हैं, जो पिक्चर्स देखते हैं इंडस्ट्री में जो यूज होता है, लेकिन अपना जो 2D डायग्राम है
इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो यू कैन सी दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म जो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है? नहीं आई ऑब्जर्विंग दिस टर्न बकर पक्का, थैंक यू। एंड फिर अभी इसके साथ हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, तो इसके पार्ट्स कौन कौन से है पहले देख लेते हैं। सबसे पहले सेंटर में आ जाइए दोस्तों, ये सेंटर का जो पार्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कपलर, उसके एंड में दोनों बाजू में जो आप पार्ट देखना चाहेंगे कपलर के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाला, सो उसको हम लोग नाम देते हैं कपलर नट। ये कपलर अपना क्या कहेंगे इंटरनल है, तो वो हॉलो होता है, तो कभी सिर्फ दो स्ट्रिप के साथ भी आएगा या कभी पूरा का पूरा हेक्सागोनल पार्ट भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अगर आप टॉप एंड एंड बॉटम एंड पे जाके बात करेंगे तो टॉप एंड पे आपको एक राइट हैंड थ्रेड देखने को मिलेगा और दूसरे एंड में दोस्तों आपको एक लेफ्ट हैंड थ्रेड देखने को मिलेगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एन कपलर। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग उसके एक्चुअल एक न्यूमेरिकल डिस्कस करना चाहेंगे, लेकिन अभी का वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट कमिंग बैक टू जोशी सर, स्टॉपिंग द शेयरिंग, ठीक है? नहीं एंड दोस्तों ये न्यूमेरिकल के लिए हम लोग एक सेकंड वीडियो में रिकॉर्डिंग लेके जाएंगे। तो अभी का एक वीडियो जस्ट इंट्रोडक्शन था टर्न बकर क्या होता है, एंड इवन एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने आपको वो भी दिखाया कि डिफरेंट एक्चुअल एप्लीकेशंस ऑफ टर्न बकर्स। एक अपने दोस्त ने शेयर किया था, तो इनिशियली मैंने उसे रिस्पेक्ट किया कि यस दैट वैल्यू कैन बी सीन, दैट वैल्यू कैन बी शेयर, बट एट द एंड ऑफ द डे आई हैव शोन यू, जस्ट गूगल इट आउट, यू कैन सी एन नंबर ऑफ इमेजेस एंड इट्स एप्लीकेशंस। एंड मैं ये कहूंगा कि मैक्सिमम टाइम कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए हमेशा ध्यान में रखिए, जहां पे आपको कोई भी चीज पुल करके रखना है, जहां पे आपको टेंसाइल लोड अप्लाई करके रखना है, कोई स्टील वायर में, कोई ट्रैक्टर में, कोई कनेक्टिविटी में, कोई मशीन्स में, तो एक ही डिवाइस का आपको याद आना चाहिए दोस्तों, वो डिवाइस है कपलर या टर्न बकल। तो ये मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, बिकॉज इट गिव्स अस अ मिनिमम वेटेज ऑफ 2 मार्क्स, या अगर एग्जाम में पूछा जाता है वाइवा में, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। एंड विद दिस नोट नाउ वी आर रेडी टू एंटर इनटू अ न्यूमेरिकल पार्ट। तो चलिए दोस्तों सीधा न्यूमेरिकल में चलते हैं, होप सो हम सारे बच्चे अपनी न्यूमेरिकल पार्ट में कंटिन्यू रख सकते हैं। दिस इज मी जोशी सर, रिकॉर्डिंग इट फॉर सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। चलिए चलते हैं अगले वीडियो पार्ट में, श्योर, ऑल द बेस्ट।